नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन चौहान आपका हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। और जो है अभी तक हमने डिस्कस किया, जो हमारा हेल्थ सीरीज चल रहा था एनोरेक्टल बीमारियों पे, पाइल्स के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। अभी तक हमने जो डिस्कस किया पाइल्स के, अब एक जनरल इंट्रोडक्शन, उसके सिम्टम्स और उसका जो है जो लक्षण होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले वीडियो में। आज हम इसमें जो चर्चा करेंगे वो कि पाइल्स से कैसे बचाव हो सके। एक बहुत ही जो है पुरानी सटीक कहावत है कि जो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बीमारी को होने से पहले ही अगर हम उसको प्रिवेंट कर लें तो उससे बेहतर कुछ नहीं है स्वास्थ्य के लिए हमारे। तो पाइल्स जो है इसमें जो हमने जब डिस्कस किया था तो ये पाया था कि जो इसका जो मूल कारण है वो कब्ज होना और पेट की जो है डाइजेशन की आपकी जो है वो गड़बड़ होना है। तो सबसे पहला ये है कि हम अपने डाइजेशन को अच्छा रखें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा जैसे हम खाना खाने की जो हैबिट्स होती हैं, आदत होती हैं, वो हमारी मतलब बचपन से ही, शुरू से ही डेवलप हो जाती हैं कि हमें किस तरह का खाना पसंद है। किसी व्यक्ति को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, किसी को नमकीन ज़्यादा पसंद होता है, किसी को चटपटा ज़्यादा पसंद होता है, तीखा पसंद होता है। इसी प्रकार हमारी जो टॉयलेट जाने की, स्टूल के लिए जाने के लिए डिफिकेशन की जो हैबिट्स होती है वो भी बचपन में ही जो है डेवलप हो जाती है। कभी कभी जो है आपने देखा होगा किसी बचपन से ही किसी को जो है, बच्चों को जो है कब्ज की शिकायत होती है, मतलब उनको पेट सही से साफ नहीं होता है तो उनको जो है। तो हमें बच्चा हो चाहे बड़ा हो, प्रिवेंशन जो है वो सबके लिए जो समान रूप से उसके सिद्धांत लागू होते हैं। तो सबसे पहला ये है कि जो हमारा जो स्टूल जाने का वो है, हैबिट है, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बिना प्रेशर के स्टूल के लिए टॉयलेट नहीं जाना है। और अननेसेसरी मोशन पास करते समय हमें प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि यही जो है आपका पाइल्स का कारण आगे चल के बनता है। धीरे धीरे जब ये आदत बन जाती है तो जब आप टॉयलेट जाते हैं तो ये इंश्योर करें कि 5 मिनट के अंदर आपको मोशन आराम से हो जाए, स्मूथली हो जाए, उसमें आपको जो है ताकत ना लगानी पड़े, संघर्ष ना करना पड़े टॉयलेट के अंदर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कि अवॉइड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन, मलत्याग के समय आप जोर नहीं लगाएंगे, ये सबसे ज़रूरी टिप है, सबसे पहली टिप है। तो दूसरा ये है कि जो आप जोर नहीं लगाएंगे इसका मतलब आपको कब्ज नहीं होना चाहिए। कब्ज नहीं होना चाहिए, कब्ज ना हो उसके लिए हम खाने पीने का अपना विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। खाने पीने के ध्यान में क्या हमें ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा जो रेशेदार, जो जिसकी कमी आजकल के हमारे डाइट में जो है सामान्य तौर पे दिखती है, जो कॉमन पिज़्ज़ा बर्गर आपका जो फूड होता है उसको हमें अवॉइड करना है, वो मैदे वाली चीज़ें जो होती हैं, फास्ट फूड, नॉन वेज, जिसमें फाइबर कम है और जो है उसकी वजह से आपका जो है डाइजेशन गड़बड़ाता है, कब्ज होती है। तो हमें अपने खाने में फ्रूट्स जो है शामिल करना है। फ्रूट्स में स्पेशली पपीता, पका हुआ अमरूद, गुआवा आपका जो है, ये इनमें जो है प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है और जो है वो आपको डाइजेशन को अच्छा करेगा। पपीता अमरूद मैंने स्पेशली बताया। तीसरा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है तक्र। तक्र यानी आपका जो मट्ठा है, छाछ। छाछ आप पीजिए खाने के, लंच के टाइम में पीजिए, या फिर जो आपका चाय का टाइम होता है, जो 3-4 बजे जो चाय होते हैं, चाय की बजाय आप मट्ठे का सेवन करें, आधा गिलास, एक गिलास, उसमें थोड़ा चाहें तो आप काला नमक या जीरे का पाउडर आप डाल सकते हैं, तो वो आपके डाइजेशन को स्पेशली अच्छा करेगा, फ़ायदेमंद करेगा। उसके अलावा आप दही भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखें कि जो दही या मट्ठा आप लेते हैं वो दिन के समय में लें, रात में ना लें, नहीं तो वो फिर डाइजेशन को फिर गड़बड़ करता है। और उसके अलावा डाइट में आप थोड़ा लिक्विड्स का जो इंटेक है वो अगर थोड़ा बढ़ा दें तो आपका कब्ज की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक जो है सॉल्व होगी। लिक्विड में पानी हो सकता है आपका, नारियल पानी हो सकता है, सूप वगैरह हो सकता है, लेकिन हम साथ में ये एडवाइस करेंगे आपको, दूध भी हो सकता है। दूध आप डेयरी प्रोडक्ट आप में आप दूध लेंगे। कुछ लोगों को जिनको दूध से डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है वो दूध ना लें, वो छाछ ले सकते हैं या दही ले सकते हैं। तो ये आप लिक्विड्स थोड़ा इंक्लूडिंग वाटर, वाटर भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो है जब
अब हमने प्रिवेंशन के लिए जो है ये डाइट का डिस्कस किया। अब एक चीज और है, मतलब ये भी देखा गया है, जिन लोगों का वर्क जो है लंबे टाइम तक बैठने का होता है उनको भी पाइल्स की संभावनाएं होती हैं होने की। तो जो लंबे टाइम तक ऑफिस में सिटिंग करते हैं तो उसमें हम ये एडवाइस करेंगे आपको कि आप जो है सिटिंग के बीच बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले लें, एक घंटा बैठने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें, थोड़ा टहल लें, ताकि जो है लंबे टाइम तक एक ही उस पर जो है पोस्चर में बैठे रहने से भी ये पाइल्स की बीमारी का जो वो है चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं थोड़ा। तो ये कुछ सामान्य बातें मैंने आपको बताई हैं इस बीमारी से बचाव के लिए, बवासीर की बीमारी से बचाव के लिए। इससे अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी को बवासीर हो जाती है तो फिर वो उसको क्या करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप हमारे इस चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।